गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक रहे विपिन सिंह को पुनः भारतीय जनता पार्टी ने ग्रामीण विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी बनाए जाने पर सोमवार को भाजपा विधायक प्रत्याशी विपिन सिंह ने गुरु श्री गोरखनाथ मंदिर में दर्शन एवं पूजन कर जीत के लिए बाबा गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने गोरखनाथ मंदिर के संतजनों से मुलाकात कर उनका भी आशीर्वाद लिया, जिसके संबंध में ग्रामीण विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी विपिन सिंह ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आशीर्वाद दिया है और दोबारा ग्रामीण विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किया गया है और निश्चित रूप से पार्टी के मान सम्मान में कोई कटौती नहीं रहेगी। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता विपिन सिंह बनकर के चुनाव प्रचार में लगेगा और भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरेगा। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष सूर्य प्रकाश शर्मा, दुर्गेश बजाज, वैभव अग्रहरी, अमित श्रीवास्तव, अनिल निषाद, पन्नालाल पासवान, अनुराग त्रिपाठी, दिनेश सिंह तथा अन्य भाजपा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ग्रामीण विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी विपिन सिंह ने कहा, निश्चित हम पहले सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से इस नेतृत्व को बधाई देना चाहेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे गृह मंत्री जी आदरणीय मोदी जी और हमारे प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री गोरखपीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री ने आशीर्वाद दिया है और मैं दोबारा यहां से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित हुआ हूँ। निश्चित है हम कहीं से पार्टी के मान सम्मान में कोई कटौती नहीं रहेगी। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता विपिन सिंह बनकर के चुनाव प्रचार में लगेगा और भारी मतों से यहां से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरेगा, यही मुझको कहना। क्या मुद्दा चुनाव लड़ेंगे? मुद्दा विकास है, विकास ही मेन मुद्दा है। हमारे वहां जितना विकास हुआ है शायद कम विधानसभा होगी जहां इतना विकास हुआ है, तो निश्चित है विकास ही मेन मुद्दा होगा। और भयमुक्त समाज की बात जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी करते हैं उस पर देखें कि अपराधियों को नकेल कस दी गई है, तो निश्चित है ये सब बहुत बड़े मुद्दे हैं। किसान सम्मान निधि से लेकर के मुफ्त राशन की व्यवस्था करना, ये सब बहुत हमारे पास बहुत, चाहे बिजली की समस्या को ले लीजिए जहाँ 6-7 घंटे बिजली रहती, आज के डेट में 24 घंटे 22 घंटे बिजली रह रही है, तो सब सारे मुद्दे हम लोग के पास, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। बस यही सब हम लोग का मेन उद्देश्य है।